नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो है बड़ी घोषणा की है नए साल को लेकर के, मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का बड़ा फैसला अभी अभी का ये ट्वीट किया गया है और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो संविदा कार्मिक है उन्हीं को मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के बड़ा फैसला किया है। आप देख सकते हो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। दोस्तों कौन से विभाग के जो संविदा कार्मिक है उनके मानदेय को बढ़ाया गया है, इसी को लेकर के इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने नए साल को लेकर के संविदा कार्मिकों के मानदेय को बढ़ाया है। काफ़ी अच्छा फैसला होगा मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा। आप देख सकते हो मनरेगा के जो संविदा कार्मिक है उनके मानदेय में 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोस्तों 5% बढ़ोतरी की गई है जो नरेगा के जो संविदा कार्मिक है उनके मानदेय में। काफ़ी अच्छा निर्णय है मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का, जिन्होंने बेरोजगारों के जो युवा जो बेरोजगार हैं उनके मानदेय को एक सम्मानजनक मानदेय के रूप में उठाया है। कम से कम 700-800 रुपये जो भी बढ़ाया है मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने, काफ़ी अच्छा निर्णय रहेगा उन नरेगा संविदा कार्मिकों के लिए जिनको मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। इसी को लेकर के आप देख सकते हो दोस्तों बड़ी फैसला बड़ा राहत दी है मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के द्वारा ये जानकारी है। दोस्तों आप देख सकते हो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का बड़ा फैसला, नरेगा के संविदा कार्मिकों के मानदेय में 5% की वृद्धि, 5% की वृद्धि। और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की सराहना देना चाहेंगे जी न्यूज़ 18 राजस्थान के जो संविदा कार्मिकों को है जो नए साल का जो है गिफ्ट दिया गया है मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा, 5% मानदेय बढ़ोतरी को दी मंजूरी। बड़ी खबर दोस्तों आज देख सकते हो नरेगा के जो संविदा कार्मिक है उनके मानदेय को 5% बढ़ाया गया है। इसी को लेकर के कहना चाहूँगा आने वाले बजट में जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है और जो संविदा पर लगे हुए हैं चिकित्सा विभाग में, उनके मानदेय को भी एक सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए और इनका जो है सेवा बहाली की जाए। और जो यूटीपी पर जो लगे हुए हैं जो कार्मिक है उनकी संविदा कैडर में इनको शामिल किया जाना चाहिए। बताना चाहेंगे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को, काफ़ी अच्छा फैसला लेते हैं मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, मगर जो है ये शिक्षा विभाग की जो पेपर लीक का जो मामला है वो लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इस साल के अंतर्गत मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं बेरोजगार युवाओं के लिए और उन बेरोजगार युवाओं को काफ़ी उम्मीदें हैं आने वाले फरवरी के फर्स्ट वीक के जो बजट को लेकर के। अब युवाओं को काफ़ी मांगे जो है युवाओं की वो काफ़ी उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से आने वाले बजट 2023 को लेकर के। देखते हैं मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत क्या कुछ राहत देते हैं इन बेरोजगार संविदा कार्मिकों को। आने वाले बजट में ही घोषणा होगी, कम से कम 15-16 लाख के आसपास जो है संविदा कार्मिक है इनको, और जो है भर्तियों पे जो लगे हुए हैं यूटीपी पर जो लगे हुए हैं काफ़ी ऐसी भर्तियां हैं जो पेंडिंग पड़ी हुई है। क्या कुछ निर्णय निकल कर के आता है फरवरी के फर्स्ट वीक में आने वाले बजट को लेकर, इन युवाओं को काफ़ी उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से। और आज का जो निर्णय है नए साल का मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा मानदेय में 5% बढ़ोतरी को लेकर के भी काफ़ी अच्छा निर्णय रहा है मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का। धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे चैनल के माध्यम से। और इसी तरह बेरोजगार युवाओं के जो है मानदेय बढ़ोतरी के साथ साथ सरकार को काफ़ी सुदृढ़ स्थिति के साथ इन बेरोजगार युवाओं को साथ देना चाहिए। और इसी के अलावा नव वर्ष की सभी मेरे जो परिवार के जो साथी हैं जुड़े हुए चैनल से बताना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद। और नव वर्ष का आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा मेरे चैनल के माध्यम से। और आप ऐसे ही जीवन में तरक्की करें और ऐसे ही हमारे जो चैनल के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं और आप आगे अपने जीवन में जो भी लक्ष्य आपके मन में है उसको आप प्राप्त करें और 2023 आपके लिए बड़ा ही शुभ हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।